प्रणाम नमस्कार। आप सब लोग शायद अपने अपने घर अच्छे होंगे और यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी 14 जून 2020 को हुआ उससे रिलेटेड इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिले, ज़रूर मिले, लेकिन उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको भगवान ने एटलीस्ट शांति प्रदान करे, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे लोग डीले होने की वजह से दुखी हैं, और जो लोग अपने अपने नए स्वभाव के हिसाब से रिएक्शंस दे रहे हैं, कुछ लोग दुखी है तो अपने आप को दुखी कर रहे हैं, कुछ लोग किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ हो नहीं रहा है तो उसके लिए किसी ऊपर के ऊपर क्लेम लगा रहे हैं, कुछ लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे पैसे बना रहे तो वो किसी और को ढूंढ रहे कि किसको टारगेट करें, व्यूज कैसे मिले जाए यूट्यूब से, और ये सब चीज़ें हो रही है। कुछ लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेस हो रहे हैं, कुछ लोग इंकरेज हो रहे हैं। इन सब के लिए एक बात मैं बताता हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहा हूँ इसके लिए बता रहा हूँ, इन सारी क्वालिटी में से एक भी क्वालिटी या एक भी चीज़ सुशांत के पास नहीं थी, ना वो डिप्रेस था, ना हो कभी भी इंकरेज होता था, दूसरों को इंकरेज देख के वो इंकरेज करता था उसको, दूसरों को हताश देख के, दूसरों को डिप्रेस देख के उन लोगों के अंदर जीवन की एक एनर्जी फूंकता था, वो सुशांत सिंह राजपूत था। आपने जो थंबनेल देख के आए हो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, कुछ लोग अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगा रहे, इससे कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना इससे। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलता हूँ कि आप जो जो भी लोग क्रिमिनल है, जो लोगों के नाम सामने आए, उन लोगों को भी बोल के कुछ होना नहीं है, उन लोगों को भी बोल के कुछ होना नहीं है। YouTube वाले अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अपना धंधा चला रहे। कुछ लोग बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, अरे बाबा मैंने तो कितने बार दिखा दिया आप लोगों को कि क्या है, कितने पैसे आते हैं, 5,000, 6,000, कभी कभी दो दो महीने में 7,000 आते, तो क्या है। और कुछ लोग बोलते कि बाबा, अरे बाबा मैं अपने बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहता, मैं गोविंदा ऋतिक रोशन का कोरियोग्राफर हूँ, तो मुझे कोई पब्लिसिटी, नाम सुशांत सिंह राजपूत जो ऑलरेडी दुनिया में नहीं है, उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होना था, बल्कि नुकसान, इतना भयानक नुकसान हुआ है मेरा कि उससे मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। मैं इसके लिए भी बोल रहा हूँ ये बातें क्योंकि कुछ लोग जो रियल में सुशांत के लिए है, आइदर उसकी फैमिली, मैं और भी 2-3 लोग है रियल में उसके लिए लड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें से एक अर्नब गोस्वामी है फ्रंट में सबसे आगे, मेरे भी आगे सबसे आगे। अगर उन लोगों को क्लेम करोगे ना तो वो लोग यही सोचेंगे कि सारी पब्लिक ऐसी है, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों जाऊं इस चक्कर में, ये उनके उधर, क्योंकि सेंसिटिव लोग हैं, वो सेंसिटिव है इसीलिए तो सेंस उनके अंदर इमोशंस थे और इमोशन है इसी वजह से तो सुशांत के लिए बोले, वरना सुशांत के साथ तो 1,000 लोग रहे होंगे मुंबई में, उनमें से किसी ने बोला नहीं ना, मैंने बोला, तो बिकॉज आई एम इमोशनल पर्सन, आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, क्योंकि सुशांत ने तो सबके लिए अच्छा किया, मेरे लिए भी अच्छा किया, आई एम द वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द 1,000 ऑफ पीपल। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं बहुत ही जिगरी दोस्त था उसका, दोस्त था मेरे भी पहले और उसके क्लोज, मेरे से भी ज्यादा क्लोज और लोग थे, लेकिन वो बोले नहीं, फर्क यही है क्योंकि वो इमोशनल नहीं थे, वो सुशांत को समझ नहीं पाए, उसके जाने के बाद उन्होंने पहले अपने आप को प्रायोरिटी दी, मैंने सुशांत को प्रायोरिटी दी, इसका वजह से मुझे रिफ्लेक्शन क्या मिलता है लोगों का, ये तो मैं यही सोचता हूँ कि जाने दो फिर लोगों को भुगतने दो, तो जो ऑलरेडी जो परेशान है आप लोग सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर नहीं पड़ने वाला, उसका इम्पैक्ट सुशांत के केस के ऊपर पड़ेगा और किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है ये केस सॉल्व करना होता गवर्नमेंट को कि बहुत पहले कर चुकी होती, अब तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले करके पब्लिक शांत होकर ख़त्म करे केस को, क्लोजर रिपोर्ट दे, और जैसे पब्लिक को मैक्सिमम हटाया जाए ताकि अगर फैमिली अगर क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद अगर कोर्ट में जाना चाहे तो पब्लिक का सपोर्ट ही ना रहे उस टाइम, ताकि कुछ कर ही ना पाए, लेकिन फिर भी पब्लिक कुछ समझती नहीं है, या तो भी पब्लिक वो वाकई में फ्रस्ट्रेटेड है, या तो फिर ये पीआर टीम की तरफ से है, बॉलीवुड के यानी पॉलिटिशियन की तरफ से, तो वो ऐसा काम कर रही है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे कैरेक्टर में रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए डिप्रेस्ड होना,
रिजल्ट नहीं आ रहा से इंकरेज होना, रिजल्ट नहीं आ रहा इसके लिए दूसरों को क्लेम करके गालियां देना, रिजल्ट नहीं आ रहा इसके लिए दूसरे के ऊपर संदेह करके, दूसरे के ऊपर डाउट करके उसको भला बुरा कहना, या फिर रिजल्ट नहीं आ रहा इसके लिए कुछ भी अनशंट करना या फिर मूवमेंट को छोड़ देना, ये पांचों चीजों में से एक भी क्वालिटी सुशांत के अंदर नहीं थी। क्योंकि वो इंसान था, पवित्र रिश्ता टप पे होने के बाद उसको लगा कि मैं फिल्म करना चाहता हूं, तो उसने अपनी मर्जी से पवित्र रिश्ता छोड़ के फिल्म का डिसीजन लिया। 3 साल उसको नहीं मिली फिल्में, और शायद बीच में मिली भी एक दो, लेकिन उसके लायक नहीं थी वो, तो उसने नहीं किया, अपनी मर्जी से करूंगा। और 3 साल वेट करके, और 3 साल वेट में कोई डिप्रेशन में नहीं गया हूं, 3 साल में उसने अपने आप को तैयार किया सही तरीके से, लोगों से मीटिंग किया, सब लोगों से मिलते रहा जुलते रहा, उसके बाद अच्छी फिल्म की और सक्सेस हुआ। और बाद में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारे पिक्चर हिट होती है, कई सारे फ्लॉप होती है। लोगों से वो मदद जरूर मांग रहा था कि मेरी फिल्में देखो ताकि वो मुझे इंडस्ट्री से निकाल देंगे, लेकिन वो एरोगेंट नहीं हो गया था कि नहीं फिल्में देखना है तो देखो वरना मत देखो, जो आज के बॉलीवुड बोलते हैं, नहीं, वो आपके लोगों की तरह डिप्रेस नहीं हो गया था, जो सुशांत के मूवमेंट को छोड़ के जा रहे डिप्रेस हो रहे, नहीं, उसने किसी और को गालियां नहीं दी थी कि ये सारा डायरेक्टर गलत कर रहा है मेरे साथ, नहीं, करण जौहर गलत किया उसने OTT प्लेटफॉर्म पे लिया, लेकिन उसने पब्लिकली गालियां दिया करण जौहर को जो आप कर रहे हो, नहीं, वो कभी डिप्रेस हुआ, कभी इंडस्ट्री छोड़ के ये गया, नहीं, वो रिया क्या बोल रही है, क्या था पवना वाला चक्कर, वो छोड़ दो, वो फिर भी इंडस्ट्री में रहना चाहता था, करना चाहता था, काम 2-4 सपने जो उसके मेन इंपॉर्टेंट थे वो करना चाहता था पूरा। ये बहुत गलत बात है कि एक दूसरे के ऊपर क्लेम करना और अननेसेसरी के एक दूसरे को बुरा बोलना। जो भी था, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत ही गधे की औलाद होंगे वो लोग जो ये सोचते हैं कि जो उस वक्त मोमेंट में आए, जिस वक्त कोई नहीं आने को तैयार था, भाई कोई नहीं आने को तैयार था, सबकी फटी पड़ी थी, कोई नहीं आने को तैयार था, कोरोना 17-17, 18-18 लोगों को गायब कर दिया उन लोगों ने, आपको भी पता है, कोई किसी की फटी पड़ी थी सबकी, कोई आने को तैयार नहीं था फ्रंट में, न्यूज़ मीडिया में बैठने को, सिंपली बोलने को। उस टाइम गणेश शिवरकर आया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बोला कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का 302 केस है, 5-6 लोग उसके घर गए, आई एम द एविडेंस। और जब घर के सामने 6-7 लोग आए तभी भी हम डरे नहीं, क्योंकि पता है सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन इसकी ये क्वालिटी मेरी सुशांत की वजह से, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो मैंने सच बोला, डरा नहीं। लेकिन आज आपको पता है, आज मैं चाहूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, आज अगर मैं चाहूँ तो 15 दिन के अंदर CBI की रिपोर्ट दे दूंगा आप लोगों को, हलक में हाथ डाल के CBI के गले के अंदर से खींच के अगर रिपोर्ट नहीं निकाले तो फिर बोलना। अच्छा आप बोलोगे मैं क्यों नहीं करना चाहता, कोई नहीं, अब दिल्ली जाना आना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, वो अरेंज हो जाएगा मेरे से, कोई बड़ी बात नहीं, बात पैसे की भी नहीं, बात है कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग जो YouTube पे बैठे हैं, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं बुरे, कुछ लोग जो ये करते हैं, उसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि यार सुशांत के लिए तो मैंने जो करना था मैंने किया, अब रही बात सुशांत को इंसाफ मिलने के बाद फायदा किसका होना है, जनता का, जनता तो गालियां दे रही है, जनता को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फिर जाओ ले लो एंटरटेनमेंट, ले लो जाओ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस सुशांत के लिए तुम लड़ रहे हो, उसके साथ में रहा हो, उसकी एक भी क्वालिटी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो अपने पास। सुशांत वॉज अ इनकरेजिंग मैन, जब मैं डिप्रेस था तो उसने मुझे उस चीज से निकाला, जो दूसरों को डिप्रेशन में नहीं रख सकता था वो उसको डिप्रेशन से निकालने की ताकत रखता था, तो वो डिप्रेशन में नहीं आ सकता, यही तो मेन प्रोसीजर, ये तो मेन बोलना था लोगों को, जो रिया बोल रही थी उसके खिलाफ जाके वही तो बोलना था मुझे, और यही मैं प्रूफ करके रह रहा हूं। इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन पूरी दुनिया में यह सच है, पूरी दुनिया में आज भी एक ही सीना चौड़ के सीना तान के बोलता हूं मैं, गणेश शिवरकर, सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड एंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर,
सीना तान के ये कहता हूँ कि अगर मेरे को अपडेट लानी है ना, 15 दिन लगते 15 दिन, ऐसा हाथ डालूंगा हलक में CBI के, गवर्नमेंट वर्नमेंट सब तेल लेने गई, रिपोर्ट निकाल के लाऊंगा। लेकिन उस गणेश वर्कर खोया पब्लिक ने उन चूते लोगों के वीडियोस की वजह से। चलो कीप एंजॉय योरसेल्फ।